रैपिंग टेक्स्ट अराउंड ए शेप्स इन एमएस पावर पॉइंट। सबसे पहले हमने ब्लैंक लेआउट ले लिया, लेने के बाद इंसर्ट शेप में जाएंगे और शेप लेंगे बालून टाइप जैसी, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद रोटेट करने के बाद हमारा काम होता है इसे सेलेक्ट सेटिंग करना, और सेटिंग करने के बाद डबल क्लिक करके इसके आउटलाइन को रिमूव करना। इस पॉइंट से इसको साइज बढ़ा घटा सकते हैं जैसे हम चाहते हैं, और उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके फॉर एग्जांपल तौर पर डिज़ाइन ले रही हैं, क्लोज। उसके बाद हम इसे एक और सर्कल लेंगे, उस सर्कल को लेने का मकसद हमारा ये है कि इसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस करण वास्ते, जैसे हम सेलेक्ट करके थोड़ी शाइनिंग वास्ते लेंगे, और नो आउटलाइन और इसका कलर पहले से लाइट लेंगे। और 3D फॉर्मेट से जाके इसनों और कोई बढ़िया सा डिज़ाइन मटेरियल देना चाहते तो हम दे सकते हैं। इसको एंगल से लाइटिंग कितनी देनी है, कितने परसेंट में देना, और आप दे सकते हैं। देने के बाद फिल और ट्रांसपेरेंट इसको 100% कर देंगे। करने के बाद और उसके बाद हम इसे और भी कोई शाइनिंग देना चाहते हैं तो शाइनिंग दे सकते हैं, नो आउटलाइन, और इसे पहले दो से भी थोड़ा लाइट कलर और शाइनिंग देने के लिए इसे लाइट कलर देंगे। और इसमें थोड़ा सा इसकी नो आउटलाइन दिखाई दे रही है, उसे नो आउटलाइन करेंगे, और करने के बाद इसे थोड़ा सा और कलर थोड़ा लाइट, दोनों से लाइट कलर, और फिर इसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे, थोड़ा सा दिखाई दे उसके हिसाब से। ग्रैंडियट फिल में जाके इसे थोड़ा सा रेडल डिज़ाइन देंगे, जिससे डिज़ाइन चूज़ करेंगे जो सर्कल्स जैसा ही डिज़ाइन हो। इसे ट्रांसपेरेंट करेंगे जितना हमें शाइनिंग इसमें ग्लो हमें चाहिए। उसके बाद हमारा काम रह गया है टेक्स्ट रैप, जिसके लिए हम खास तौर पे वीडियो बना रहे हैं कि टेक्स्ट रैप कैसे करें एमएस पावर पॉइंट में। टेक्स्ट रैप टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिख लिया, टाइप कर लिया, और टेक्स्ट रैप में करने के लिए हम जाएंगे फॉर्मेट, और जाएंगे फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट में, रैप को चेक दिखाई दे रहा है इसको हटा देंगे, तो इसे टेक्स्ट रैप कहते हैं। और हमारा जो अब हम जैसे चाहते हैं ऐसे आउटपुट आएगी। वर्ड स्टाइल में जाके टेक्स्ट इफेक्ट, और टेक्स्ट इफेक्ट में हमें दो तरह के डिज़ाइन हैं कैसे हमें चाहिए, तो ये वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे रिंग आउटसाइड, जो हमारा नाम सामने दिखाई दे रहा है, और इसको बलून की तरह साइज के मुताबिक सेट कर लेंगे। यहाँ पे पिंक पॉइंट है, इससे इसे साइज को बड़ा और छोटा किया जा सकता है। ऊपर को करेंगे तो इसका जो साइज इंक्रीज होता है। जो सामने हमारे दिखाई दे रहा है हैप्पी बर्थडे, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट होगा कर्सर की मदद से और शिफ्ट की मदद से, अपने जितना भाग सेलेक्ट करना चाहते हैं कर्सर और शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट करके, और इनको कलर कुछ देना चाहते हैं कलर दे सकते हैं, बाद में भी कलर दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ पे समझने की ये बात है, जो फ्रंट में दिखाई दे रहा है उसे सॉलिड फिल करना है, और जो बैक में दिखाई दे रहा है उन्हें सेलेक्ट करके हम सॉलिड फिल तो करना ही है पर उसे ट्रांसपेरेंट करना। दो एक्शन है कि पहले वाले को सेलेक्ट करके सॉलिड फिल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसे सॉलिड फिल करेंगे। सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट और कर्सर की मदद से,
और ऐसे करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट से और फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट से टेक्स्ट फिल में सॉलिड फिल, और यहाँ से भी कलर से दे सकते हैं जैसा हम कलर चाहिए। इसे सॉलिड हमने फिल कर दिया और अब पीछे वाला भाग हम सेलेक्ट करेंगे। सॉलिड फिल हमने आगे वाले को देने के बाद अब पीछे का सेलेक्ट करेंगे। पीछे सेलेक्ट करने के लिए हम पीछे का सेलेक्ट जब करेंगे तो इसे वर्ड आर्ट स्टाइल से टेक्स्ट फिल से सॉलिड फिल को ट्रांसपेरेंट कर देंगे जितना हमें चाहिए। 74% हमने कर दिया और करने के बाद देखेंगे पीछे वाला नाम ऐसे दिखाई जो पीछे से घूम रहा है, तो ये होता है टेक्स्ट रैप। उसके बाद हमें और लिए शेप लेंगे जिससे हम डिज़ाइन देंगे इसे ऐसे, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। इसे भी कलर दे सकते हैं जैसा कलर हमें चाहिए वो कलर दे सकते हैं। ऐसे कॉपी करके हमने पेस्ट करके इनको सभी को ग्रुप बना लेना है। सेलेक्ट करके एक एक सेलेक्ट करेंगे, चाहे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इनको ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बनाने के बाद सेटिंग हो जाती है इसकी, और दूसरी शेप लेंगे, शेप जे वाली लेंगे और इसको भी थोड़ा डिज़ाइन देने के लिए जो येलो साइन दिखाई दे उसे डिज़ाइन बनाएंगे। इसकी नो आउटलाइन कर दी और डिज़ाइन बनाएंगे जैसे जो बना रहे हैं पॉइंट से, येलो पॉइंट से हमें चाहिए डिज़ाइन जे वाला डिज़ाइन चाहिए, और इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसमें कलर फिल कर देंगे जैसे हमें कलर चाहिए। Ctrl+C Ctrl+V से ऐसे भी कॉपी पेस्ट करके थोड़ा और इसे बनाएंगे। इन तीनों का भी ग्रुप बना लेंगे। ऐसे कभी ग्रुप नहीं होते, इसलिए हम इसे कंट्रोल प्रेस करके भी एक एक सेलेक्ट करते तभी इस एलिमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, और इनको भी ग्रुप बनाएंगे और इसे भी यहाँ पे सेटिंग कर देंगे। लास्ट में हमारा रह गया है सेंटर में बैंड है बनाना। बैंड बनाने के लिए हम थोड़ा सा डिज़ाइन ले लिया और एक और डिज़ाइन ले लिया, इसे शेप आउटलाइन कर दिया और एक और डिज़ाइन ले लिया। और इसे 3D रोटेशन से रोटेट कर देंगे। और कलर फिल कर देंगे। रोटेट करने के बाद कलर फिल कर देंगे। कर्सर की मदद से हम इस दूसरे पॉइंट से जोड़ेंगे और इसे कलर कर देंगे और जैसे हमें चाहिए। और ऊपर को कलर भी हमने जैसे हमारी ये डोरी है उसके मुताबिक कलर कर लिया, और दोनों को सेलेक्ट करके कर्सर की मदद से इसे सेट कर देंगे जहां हम करना चाहते हैं। ये हमने आज बनाया है बालून्स टेक्स्ट रैप की मदद से। थैंक फॉर वॉचिंग।